नहीं होने देंगे अन्याय किसी भी कीमत पर। सरकार ये करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे छोड़ेंगे नहीं कुछ हो जाएगा। हमें पूरा नुकसान दो, बिजली के बिल माफ करो, और उसके साथ जितनी फसलें खराब हुई है मकान बनवाओ। फसलें जितनी खराब हुई है सर्वे की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत पूरी खराब होगी काय का सर्वे मत धराए क्या आप सर्वे मत करना 100% सर्वे करने का 100% नुकसान है, रास्ता ही नहीं है जाएंगे कैसे। 40,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाए, देना चाहिए कि नहीं। और जो अगली फसल बोनी 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद कर्जा माफ करके कर्जा दे सकता है क्या आप कोई? नहीं। वो कर्जा माफ करके पर अगली फसल के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाए ताकि खरीद के बोनी कर सके। और व्यापक स्तर पर मजदूरी देते थे, प्रसूति में मजदूरी देते थे। देखो संबल योजना थी हमारी, मेरी बहनों बेटा बेटी का जन्म होता था तो मामा 4,000 पहले और 12,000 बाद में भेजता था। लड़ुओं के लिए बच्चों की फीस भरवाता था, वो बंद कर दी। बच्चों को लैपटॉप स्मार्टफोन देता था, वो बंद कर दिए। बच्चों को स्कॉलरशिप देना बंद कर दी। मौत में मैं बिजली के बिल 200 रुपया लेता था, ये हजारों के बिल भेज रहे। बीमारी में इलाज की व्यवस्था होती थी वो बंद कर दी। एक्सीडेंट में मर जाए तो 4,00,000 रुपया देता था, वो बंद कर दिए। और सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 देता था, वो बंद कर दिए। और मर जाए तो अंतिम संस्कार के 5,000 कफन दफन के देता था, वो तक सरकार ने छीन लिए। मेरी बहनों बेटियों की शादी करवाता था, इन्हें का 51,000 देंगे, फूटी बोली नहीं। अब ये योजना चालू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये योजना चालू हो ताकि लोगों को राहत मिले और युद्ध स्तर पर सफाई करके डॉक्टर का इलाज करवाओ ताकि बीमारी ना फैले। और ये सब चीजें नहीं की तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, 21 तारीख के दिन, आज कितनी है 17, 21 तारीख के दिन मैं भी रहूंगा, सांसद जी विधायक जी सब कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। बोलो सब आओगे? सबको आना है, हजारों की तादाद में।